अब देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 12 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव की जा रही है। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल पर खड़े हैं और आपको सुबह की तस्वीर चांदनी चौक लोकसभा की दिखाई थी, लेकिन ये नई दिल्ली लोकसभा के मॉडर्न बाराखंबा रोड की ये तस्वीर है जहाँ पर मॉडर्न स्कूल के अंदर जो है वो वोटिंग जो है वो की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार जो है खास प्रबंध जो है इस पोलिंग बूथ के किए गए हैं। ये पोलिंग बूथ 43, 44 और 56 है जहां पर वोटिंग जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है यहां पर व्हील चेयर जो है वो लगाई गई है। यहां पर कोई भी बुजुर्ग जो है वो अगर जाता है तो उसको व्हील चेयर का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। साथ ही साथ आगे सेल्फी पॉइंट जो है चुनाव आयोग की तरफ से बनाया गया है कि किस तरीके से अगर कोई वोट डालकर आता है तो यहां पर जो है वो सेल्फी जो है वो खींच सकता है, क्योंकि लगातार चाहे युवाओं की बात करें, बुजुर्ग की बात करें या महिलाओं की बात करें, वो अपना मत का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं। और कुछ मत का प्रयोग कर आए युवा भी है हमारे साथ, क्या कहेंगे जिस तरीके से सुबह से तापमान बढ़ रहा है, लोग से क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि आप एक युवा हैं? क्या बोलूं मैं, क्या अपने मत का प्रयोग करना चाहिए? जी करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोटिंग की है? बिल्कुल, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को देखकर आपने वो, आप एक खुद महिला हैं, क्या ध्यान में रखकर आपने वोट किया है? कि महिला के सुरक्षा के तौर पे इसी वजह से हमने वोट करा है। अच्छा, युवाओं से अपील करें कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, ये अपने मत का प्रयोग करें। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, अब मत का उपयोग करेंगे तभी तो हमारे ही फायदा है। तो बिल्कुल मत का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि युवा चाहे महिलाएं वो अपने मत का प्रयोग करने जो है वो काउंटिंग से जो जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में चाहे पुलिस की बात करें चाहे इलेक्शन कमीशन की बात करें, उनकी तरफ से खास तैयारियां जो है इस बार पोलिंग जो बूथ है वहां पर की गई है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो अगर बात करें, कपिल सिब्बल भी अभी थोड़ी देर पहले वोटिंग करने आए थे। अगर आपसे बात करें, महिला हैं आप खुद, क्या ध्यान में रखकर आपने वोटिंग की है? भैया अच्छी सरकार चले और सब कुछ सरकार इतना कर रही है, यही मेरे लिए काफी है और क्या। अच्छा, तापमान लगातार सुबह से बढ़ रहा है, गर्मी हो रही है, क्या कहेंगे युवा लोगों को घर से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए? जो अपना वो है वोटिंग है वो तो इस्तेमाल करनी है, चाहे धूप हो या छाए हो। तो बिल्कुल अपने मत का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। 12 बज चुके हैं, 12 बजने के बाद अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो डाटा इलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 बजे तक का जो है वो आ चुका है। और चांदनी चौक लोकसभा सीट की बात करें तो 18% 55% जो है वो चांदनी चौक का जो है वो आ चुका है। अगर ईस्ट दिल्ली की बात करें तो ईस्ट दिल्ली का 22% से जो ज़्यादा वोटिंग का परसेंटेज जो है वो हो चुका है। नई दिल्ली की बात करें तो 19%, और अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तो 24% जो है वो जो पोलिंग हो चुकी है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो 22%, साउथ दिल्ली की बात करें तो 21%, और वेस्ट दिल्ली की बात करें तो 21.56% जो है मतदान हो चुका है। और लगातार जो है यहाँ पर लोग जो है अपनी वोटिंग का जो वोटिंग करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार चाहे गाड़ी की बात करें, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर पुलिस की काफ़ी सुरक्षा जो है वो मौजूद है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।